ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये बारिश हो रही है झमाझम कानपुर के अंदर। ठंड से जो है सुकड़ रहे हैं हम लोग। हे दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय व्लॉग। दोस्तों आज यहाँ पर जो है मैं कानपुर में हूँ इस समय पे, और ये जो है चूल्हा जलाया हुआ, ठंड बहुत ज्यादा, और यहाँ पर चाय बन रही है। दोस्तों ठंड लग रही है काफी। बस अभी कुल्हड़ की चाय का आनंद लेंगे सब लोग। तो आपको मैं कुल्हड़ की चाय भी दिखाऊंगी। यहाँ पर मेरे ससुराल में बनती कुल्हड़ की चाय। ये चूल्हा जलाने का प्रयास हो रहा है, यहाँ पे चूल्हा जलाया जा रहा है, क्योंकि ये देखिए आप कितनी ठंड हो रही है और बारिश से ये पूरा गीला हो चुका है। दोस्तों चारों तरफ देखो कितना पानी है, पानी पूरा इधर ही आ रहा था जहाँ पे चूल्हा जल रहा था। तो बस ऐसे मौसम में मज़ा आता है कुछ चाय का, अगर बनाई जाए चूल्हे पे, और वो भी कुल्हड़ वाली चाय, तो उसका कुछ अलग ही बात होती है। और जॉइंट फैमिली में ही ये सब चीज़ों का आनंद मिलता है, वरना तो नहीं मिल पाता। आप अकेले रह रहे तो कहाँ इतनी चीज़ों का आनंद ले पाएंगे, किस तरह से सब लोग बैठे हुए हैं, जो है चूल्हा जल रहा है, हाथ भी सेक रहे हैं उस पर, मेरा भतीजा भी बैठा है, मेरे पति देव हैं, जेठ जी भी हैं, तो सभी लोग बैठकर जो है यहाँ पर सोच रहे थे कि क्यों ना कुछ गीत भी गाया जाए, क्योंकि बारिश के मौसम में जो चूल्हे की हल्की हल्की गर्माहट जो लग रही थी, और साथ में जो अंताक्षरी भी हम लोगों ने खेली। चाय का सामान चढ़ चुका है, ले आइए मेरी जेठानी अंदर से अपना खल्लड़ वल्लड़, उसमें अदरक काली मिर्च सब कूटेंगी, और कुल्लड़ कुल्लड़ और रह गया बस, वो और लेके आएंगे, फिर कुल्लड़ वाली चाय आपके साथ पीते हैं हम आज शाम को। फूकनी है कि नहीं फूकनी? फूकनी की जरूरत, अच्छी खासी हवा तो चल रही है। तो दोस्तों ये देखिए भतीजा जाके कुल्लड़ भी लेकर आ गया अंदर से, ये कुल्लड़ आ गए कुछ चाय पीने के लिए, और ये दो कुल्लड़ जो है इसमें से एक कुल्लड़ आग में चूल्हे के अंदर दबा दिया जाएगा, गरम गरम आग के अंदर ये सिकेगा, और फिर इसी को जो है जग में जब चाय भरी जाएगी तो इसी गरम गरम कुल्लड़ के ऊपर ही चाय छान के डाली जाएगी। अभी जो है मेरी जेठानी अदरक वगैरह भी कूट रही हैं, वो भी लेकर आ गई हैं, तो जेठानी जी ने शुरू कर दिया है। अदरक कूट रही है चाय के लिए। तो दोस्तों अदरक भी तैयार होगी चाय में डालने के लिए, साथ ही सभी ने सोचा क्यों ना कुछ भक्ति भरे गीत गाएं, तो सभी मिलकर भक्ति भरे गीत जो है गाने लग गए थे यहाँ पर। किए जा रहा था फिजूल की बातें, किए जा रहा था फिजूल की बातें, किए जा रहा था अब इसी जुबान से नाते मंदे ने सब जुहे, एक सच्चा तेरा साथ सजना, तेरे चरणा दी खाक सजना, तो दोस्तों यहाँ पर गीत भजन भी खत्म हो गए थे। और ये देखिए दोस्तों जो चाय का कलर है वो कितना अच्छा है, एकदम गाढ़ी गाढ़ी चाय लग रही है, और इसे बस वो जो कुल्लड़ गरम किया जा रहा है आग में उसके अंदर डाल दिया, और ये देखिए कितना अच्छा धुआं निकल रहा है, एकदम जो कुल्लड़ है वो भी काला हो गया है, और सबको चाय जेठानी जी ने दे दी है छान कर, सबको चाय मिल गई। पी के देखते हैं चाय कैसी है। अमृत 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 तुल्य चाय। खाओ, ये बन चुकी है गर्मा गर्म बरसात के मौसम में कानपुर की चाय, जो कि चूल्हे पे बनी हुई बहुत टेस्टी है, मजेदार है। कुल्लड़ की चाय है, कुछ कुल्लड़ में पी रहे हैं और कुछ डिस्पोजल में। तो दोस्तों तैयार है गर्मा गर्म कनपुरिया चाय कुल्हड़ में, पी के देखती हूँ कैसी बनी है चाय। दोस्तों मजा आ गया, चाय तो बहुत टेस्टी है, बहुत मजा आया ससुराल में। बाय बाय दोस्तों, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। मेरा व्लॉग कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। लव यू ऑल दोस्तों।